अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कॉस्ट जस्टिफिकेशन की डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कॉस्ट जस्टिफिकेशन एक इंतहाई अहम मौजू है, क्योंकि इसी के थ्रू आप अपनी कॉस्ट को एक्सप्लेन कर पाते हैं या जस्टिफाई कर पाते हैं अपने क्लाइंट को या अपने एम्प्लॉयर को कि आपने मुझे 5 लाख रुपीज़ का एड स्पेंड बजट दिया था, आपने मुझे इतनी रिसोर्सेज दी थी, उसका मैंने थ्रू आउट द मंथ क्या किया, कहाँ वो स्पेंड हुई, उनका रिजल्ट क्या आया, आपका ROI क्या निकला पूरे मंथ का, और आगे के आपके क्या प्लान है। दिस इज़ वॉट वी डू टू जस्टिफाई द कॉस्ट। इससे होता यह है कि आप अपनी ना सिर्फ परफॉर्मेंस अपने एम्प्लॉयर या अपने क्लाइंट के सामने रख सकते हैं, बल्कि उसको भी कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, उसको भी इस बारे में पूर्ण इत्मीनान कर सकते हैं कि उसका पैसा सही जगह पे लग रहा है, सारी चीज़ें सही लग रही हैं। क्योंकि अगर आप उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो बहुत हद तक उम्मीद है कि वो अगले महीने या लॉन्ग टर्म में आपके साथ काम करना नहीं चाहेगा। क्योंकि हर शख्स देखिए मार्केट में ना अपनी सिक्योरिटी तलाश कर रहा है, आप भी तो सिक्योरिटी तलाश कर रहे हैं ना, तो इसी तरीके से आप अगर उसको हर चीज़ में कॉन्फिडेंस में लेके चलेंगे तो वो भी आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करने को तैयार होगा। अब इस पर बात करते हैं कि आखिर अपनी कॉस्ट जस्टिफाई करें कैसे एज अ डिजिटल मार्केटर। मंथ के आगाज़ में कोई भी क्लाइंट या मेरा एम्प्लॉयर मुझे जो एड स्पेंड देता है उसके हिसाब से मैं उसको एक बेसिक एस्टिमेट देता हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू बी योर कॉस्ट, और इसी के अंदर अंदर मैं काम करने वाला हूँ। अब ये एस्टिमेट्स देने से पहले मैं टेस्ट एड्स रन करता हूँ। टेस्ट एड्स रन करने से ये होता है कि मुझे एक एस्टिमेशन मिल जाती है कि अच्छा इसकी एक साइन अप इतने की पड़ रही है, इसकी एक ऐड टू कार्ट इतने की पड़ रही है, इसकी सेल इतने की पड़ रही है, इसकी कन्वर्जन रेट क्या है। मतलब बेसिकली जो फनल के अंदर तमाम पार्ट्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन मैं फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर करता हूँ, उससे पहले मैं अपना मुँह नहीं खोलता। और मैं सजेस्ट करता हूँ बाकी डिजिटल मार्केटर्स को भी कि अंधाधुन एस्टिमेट्स मत दिया करें प्लीज़, क्योंकि आप अंधाधुन एस्टिमेट्स दे देते हैं, आप कम प्राइस कोट करते हैं, अपनी अंधाधुन एस्टिमेट्स दे देते हैं। जब तक हमारे पास क्लाइंट पहुंचता है ना, वो बोलता है यार आपकी कॉस्ट तो बहुत हाई है, ऊपर से आप ना हमें एस्टिमेट्स देने के लिए भी 2 वीक्स मांग रहे कि 2 वीक्स में आप रिसर्च करेंगे, मार्केट एनालिसिस करेंगे, प्रोडक्ट को समझेंगे, उसके बाद आप देंगे। वो वाली एजेंसी तो बोल रही है आपके 200 प्रोडक्ट तो मैं ऐसे ही भेज दूँगी उसके बाद, लेकिन जब आप उसको कूप नहीं कर पाते ना, वो जगह जगह का मारा हुआ क्लाइंट आता है। और मेरे साथ सबसे ज़्यादा सस्टेन ना 2-3 जगहों का ना मार खाया हुआ क्लाइंट करता है, क्योंकि इस दफ़ा उसको समझ में आ जाता है कि जो मैं फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ और जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि उसने 2 जगह मार खा ली होती है ना, उसको अंदाज़ा होता है कि दिस इज़ समथिंग न्यू एंड ही बिलीव इन द सिस्टम कि इट्स गोइंग टू वर्क दिस टाइम। व्हाट आई डू इज़ कि मैं 1 से 2 दिन मैं उसके प्रोडक्ट को समझता हूँ, पहले तो इनिशियली उससे सवालात करके उसके प्रोडक्ट को, उसके गोल्स को, सबको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपको मार्केट और कंज्यूमर को समझने की ज़रूरत है। उसके लिए अगर आपने जो भी मीडियम चूज़ किया, मिसाल के तौर पे गूगल एड्स या फेसबुक एड्स, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी कैंपेन रन करके मैं देखता हूँ कि भाई अगर मुझे इसके स्टोर के ऊपर ट्रैफिक लेके आना है तो ट्रैफिक लाने में कितना कॉस्ट मेरी जा रही है, CPC क्या चल रहा है, और कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स मैं ला सकता हूँ किस बजट के अंदर। कन्वर्जन रेशो एस्टिमेट करता हूँ। कन्वर्जन रेशो से मुराद मेरी ये है कि अगर मैं 1000 यूज़र्स को उसकी वेबसाइट्स पे भेज रहा हूँ, उसमें से कितने परसेंट लोग उसकी वेबसाइट से कुछ ना कुछ परचेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बाय कर रहे हैं, और उनका बकेट साइज़ क्या है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंसिडर करने की ज़रूरत है। अब मिसाल के तौर पर मैंने 100 लोग भेजे और उसमें से 8% कन्वर्जन रेशो है, इसका मतलब है कि अगर मैं 100 लोग भेजूंगा तो 8 लोग उसकी वेबसाइट से कुछ ना कुछ ख़रीद लेंगे। अब उसको अगर 100 सेल्स मारनी है, ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं उसको कॉस्ट बता दूंगा कि भाई पर सेल आपकी कॉस्ट मिसाल के तौर पे 30 रुपये पड़ रही है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आपकी 3000 रुपये कॉस्ट पड़ गई, आपकी 3000 रुपये कॉस्ट पड़ गई। इस तरीके से आप एस्टिमेशन दे सकते हैं बेस्ड अपॉन डेटा, एंड दिस इज़ लाइव एंड फ्रेश डेटा, जिसकी बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि अच्छा दिस इज़ हाउ मार्केट इज़ रिस्पॉन्डिंग टू आर एड्स एंड आर प्रोडक्ट्स। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट आता है आगे आने वाले वक्तों में, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा कि भाई एड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। लेकिन दिस इज़ हाउ आई वर्क कि एस्टिमेट ले लिया, उसको समझाया पहले कि देखें इतनी कॉस्ट आ रही है आपके प्रोडक्ट की, उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि आपके लिए हमने जो स्ट्रेटजी ड्रॉ की है उसको हम एग्जीक्यूट करें, तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर आपका दिल ठुकता है तो सही है, नहीं ठुकता तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे जब उसको इतनी रॉक सॉलिड स्ट्रेटजी प्रेजेंट की जाए बेस्ड अपॉन नंबर, और उसको सेल ला के दिखाई जाए या साइन अप ला के दिखाया जाए ना, तब
क्लाइंट जाता नहीं है। एंड मंथ के एंड में हम कॉस्ट जस्टिफिकेशन कैसे करते हैं, हम उसको बताते हैं कि भाई हम आपने हमें 5 लाख रुपीज़ का बजट दिया था एड स्पेंड के लिए, हमने ये मार्केटिंग कैंपेन्स लगाई, इतने नंबर ऑफ साइनअप्स आए, एक साइनअप की कॉस्ट इतनी थी, इतनी ऐड टू कार्ट आई, एक ऐड टू कार्ट की कॉस्ट इतनी थी, और इसमें हमारी कन्वर्जन रेशियो ये रही, आपका प्रॉफिट मार्जिन ये रहा, हर चीज़ ना हम उसको एक एक्सेल शीट में समझाते हैं कि दिस इज़ हाउ वी वर्क, दिस इज़ व्हाट वी डू, दिस इज़ व्हाट यू आर गेटिंग, और उससे उसका फीडबैक लेते हैं कि हाउ डू यू फील अबाउट इट, आपको हमारी परफॉर्मेंस कैसी लग रही है, और इसी ये दिस इज़ नॉट जस्ट बेस्ड ऑन कि हमने उसको कैसा ट्रीट किया, नो दिस इज़ बेस्ड अपॉन आर एक्चुअल परफॉर्मेंस, हमने उसके पैसों को कहाँ कहाँ लगाया, उससे कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया, और उसके स्टोर को या उसके बिजनेस को उससे कितना फ़ायदा हुआ, दिस इज़ ऑल बेस्ड अपॉन डेटा एंड नंबर्स, एंड नंबर्स ट्रस्ट मी डोंट लाई। दैट्स माई प्रो टिप फॉर यू टिप फॉर टुडे, आप अपने क्लाइंट्स के साथ कॉस्ट जस्टिफिकेशन सेशन लगाने की कोशिश करें, टेस्ट एड्स रन करें इनिशियली, उसको ना अपने कॉन्फिडेंस में लें कि वॉट यू आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग एंड वाई यू आर डूइंग इट, उसको एक्सप्लेन करें, उसको अपने साथ लेके चलें, उसको सिखाएं, वो खुद भी सीखना चाहता है। बिजनेस ओनर्स ना सबसे अच्छे लर्नर्स होते हैं क्योंकि वो ना इंटरेस्ट लेते हैं, उनका अपना कारोबार है ना, वो शौक लेते हैं सीखने में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, और अगर आप ऐसा करेंगे ना वो आप पे ट्रस्ट भी करेंगे, और उनको पता चल जाएगा कि आप खदे नहीं हैं, आप भागने वाले घोड़े हैं, और भागने वाले घोड़ों को दुनिया पसंद करती है। दैट्स माई टिप फॉर यू, आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखें, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें, अगली वीडियो में मिलते हैं। दिस इज़ शाह वजाहत, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, साइनिंग ऑफ, खुदा हाफिज़।